वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा जी ब्लॉग्स। तो इस वक्त मैं आई हूं दिल्ली और हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और उससे पहले तो हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो अभी हमने जाना है टर्मिनल 3 की तरफ थोड़ी देर में, और अभी हमारी जो फ्लाइट है वो 3:20 की है। अभी हमने डिनर भी करना है, तो हम सोच रहे हैं अभी 10:30 हुए हैं, 11 बजे तक निकल जाएँ, सो दैट एक और डिनर करके 12 बजे तक हम पहुँच जाएँ एयरपोर्ट। तो मैं कहाँ जा रही हूँ तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो होप करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर। काफ़ी ज़्यादा रश है, बट हमारी फ्लाइट काफ़ी लेट है, तो हम आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की ज़्यादा बात नहीं। तो अभी हम करेंगे डिनर और अर्थिंग लेने के एंड ट्रॉली कर रहे हैं। ये रहा हमारा जाते रात के 2 बज चुके थे और हमें बड़ी जोर से भूख लगी हुई है। और मैंने अपने लिए मैंने ऑर्डर किया था लस्सी, तो मैंने पी ली और बिरयानी। मैंने उनको कहा पैक कर देना, मतलब खानी है, तो उन्होंने शायद से पैक कर दी जल्दी से, बट स्टिल कोई ना, मैं खा लूँगी। बहुत भूख लगी है एंड मैं बिरयानी खा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है। लग रहा है कि भूख ठीक हो जाएगी, जो भूख लगी है बहुत ज़ोर से वो खा के पेट भर जाएगा। और अब हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, हम लोग ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, और 3:20 की फ्लाइट है, और अभी कितने बजे हैं, अभी कितना टाइम हुआ अर्जुन? अभी 2:30 बजे हैं, और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही वैसे, बट अर्जुन देख सकते हो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम लोग घर में ही भूल गए नेक रेस्ट के लिए, देखिए क्या होता है। हम इतना साढ़े 3 बजे हमें सर्व किया गया, मतलब 4 बजे खाना थाई एयरवेज। अच्छा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन उनके पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, वेज खाना और ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड देते हैं। और थोड़ी देर के बाद मैंने बाहर देखा तो मौसम क्लियर हो चुका था, एंड करीब 9 बजे हम आ गए बैंकॉक। और फिर बैंकॉक के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी फुकेट की, तो फिर हम नेक्स्ट फ्लाइट में आ गए। ये हमारी नेक्स्ट फ्लाइट की वीडियो बनाई है मैंने फुकेट की, हम देख सकते हो कितनी ब्यूटी नज़र आ रही है, पानी पानी। तो अभी हम पहुंच रहे हैं फुकेट एयरपोर्ट में, और यहाँ पे बहुत सारा रश है, बहुत ही ज़्यादा, जबकि इस मौसम में इतना ज़्यादा रश नहीं होता। हमें सब यही बोलते हैं इस मौसम में ज़्यादा रश नहीं होता, बट स्टेडी का बहुत ज़्यादा रश है, मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो। तो हम जैसे ही बाहर आए तो हमारा वेट हो रहा था, और उसके बाद आप देख सकते हो हम गाड़ी में आ गए। और बाहर का वेदर की बात करूँ, पहले तो मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, बाहर वेदर बहुत क्लाउडी है, हम देखो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं। और वेदर आप देख सकते हो कैसे क्लाउडी, कभी भी बारिश और कभी भी बिना बारिश के, मतलब कुछ भी हो
किसी गाड़ी में नहीं बैठे वैसे। इस टाइम हम जा रहे हैं करापी फुकेट से, और दो ढाई घंटे का टाइम ड्यूरेशन जो है लगेगा, हाफ और हो चुका है, डेढ़ पौने दो घंटे ही लगेंगे हमें। और खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, हमने खाने के लिए बहुत सारी मैगी कप्पा नूडल्स खाए हैं, बिस्किट के चॉकलेट, क्योंकि अर्जेंट प्योर वेजिटेरियन और उनको फूड की बहुत दिक्कत रहती है, तो इस बार हम अच्छा खाना खाने का लेते हैं। करते हैं।